खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा के नवाही गांव 5412 में थाना बी डिवीजन की पुलिस की तरफ से पुलिस गर्दी। मुल्क पाकिस्तान के रिहायशियों की जानों माल और इज्जत आबरू का हलफ उठाने वाले पुलिस अफसरान ने ला कानूनियत की इंतहा कर दी। चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और कपड़े भी फाड़ डाले। उकाड़ा थाना बी डिवीजन में तायुनात वर्दी के नशे में धुत सब इंस्पेक्टर सईद अहमद सियाल और एएसआई लियाकत अली ने तारीख शब में खवातीन और मासूम बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। मुतासरा खवातीन की डीपीओ उकाड़ा, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से अपील है कि ऐसे जालिम पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए हमें इंसाफ फराहम किया जाए। सर, मेरी गुजारिश है वजीर आला के एसएचओ ग्रीन विजन हाफिज सईद साहब, मेरा भाई बैठता कपालपुर चौंक च, ठीक है, अपनी मेहनत मजदूरी करता, फल आई रेहड़ी लगाता है वा, उन्ने बंदे पाए हुए हैं, ठीक है, हाफिज सईद साहब आए थे, ठीक है, इन्हू अगर कोई जाती रंजिश सी तो मेरे भाई को पकड़ के लै जाता, भी साढ़े एप्लीकेशन से कोई मसला से कोई गल सी कोई बात सी, ये पकड़ के खाने लै जाता। सर, साढ़े मुर्शद पाक की फ्लैक्स लगी हुई सी दीवार के पिछे, उन्होंने उतारे है असला तो असलाम यार रसूल अल्लाह, उन्हें लिखा होया पंतन पाक का उपर लिखा होया पीर दस्तगीर पंताना पंतन पीर दे पीर, उन्होंने फ्लैक्स इन्होंने पाड़ी है, बेरुमती की पैरों में रोलिया, यह बंदा गैर मजहबी है वाबी है, इस वजह से इन्हें तशद्दुद किया है, ठीक है, जहनी तौर पर पागल है, यह मरीज है, तुम इन टेस्ट भी सर करवा सकते हो, यह मरीज है आदमी, इन्हें सानू बहुत परेशान किया, साढ़े घर बिला वजह रेट करता, रात 8 बजे इस बंद ने रेट किया, पंत नहीं, मेरी भाभी ने मारिया, मेरी सिस्टर ने मारिया, कपड़े फाड़ दिते, ठीक है, इन्हें गुंडागर्दी की है, जहनी तौर पर मरीज सानू इन्हें हरासा किया कि तुम किस तरह पेश होना चाहते जे डीपीओ साहब से, ठीक है। सर, साडा कसूर की है, साडी वजीरे आला ते अपील है कि इस बंदे की गुंडागर्दी छड़वाई जाए, यह मरीज आदमी है, इनकी जगह पर कोई होर अफसर आया जाए, कोई ये नहीं है तो बदमाशी करता है सर, तो सानू मारना चाहता, उल्टा कहना मैं तेरे भरा का इनकाउंटर कर देना है, असं कोई चोर डकैत तो है नहीं गे सर, जो सानू इन्ना परेशान कर दिया, मेहरबानी लिया, साड़ी इनके कोलों जान बख्शी कराई जाए।